आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रोहिणी इलाके में अवैध तरीके से लगाई जा रही है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार की वजह से स्थानीय लोग परेशान, पुलिस और एमसीडी की मिली भगत। भ्रष्टाचार की वजह से अवैध तरीके से लगाया जा रहा है साप्ताहिक बाजार, कई बार शिकायतों के बावजूद भी नहीं होती है कार्रवाई। आईटीआई के माध्यम से मिली जानकारी, इस रोड पर कोई भी अधिकारी साप्ताहिक बाजार लगाने की नहीं है अनुमति। बावजूद इसके पुलिस की तरफ से साप्ताहिक बाजार लगाने वालों पर नहीं होती कोई कार्रवाई। हर हफ्ते लगने वाले बाजार की वजह से लगता है लंबा जाम। स्थानीय लोगों को आने जाने में होती है दिक्कतें। देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर अवैध तरीके से साप्ताहिक बाजार लगाने के मामले पहले भी आ चुके हैं और इस बात को लेकर लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। रोहिणी इलाके में भी कुछ इस तरीके के मामले सामने आए हैं, जहां पर रोहिणी सेक्टर 13 रोड पर सालों से अवैध तरीके से साप्ताहिक बाजार लगाया जा रहा है। इसको रोकने के लिए ना तो पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही नगर निगम इनका चालान काटती है। लोगों का आरोप है कि पुलिस और एमसीडी की मिली भगत के चलते अवैध तरीके से रोहिणी इलाके में साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साप्ताहिक बाजार की वजह से हर हफ्ते इलाके में जाम की स्थिति होती है। जाम की वजह से लोगों का रोड से निकलना तक मुश्किल हो जाता है और कई बार शिकायत भी की गई। आखिरकार जब शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ कि इस रोड पर किसी भी तरीके की आधिकारिक बाजार लगाने की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हर हफ्ते लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और मिली भगत की तरफ इशारा जरूर करता है। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नीलकंठ। हाँ नीलकंठ जी, क्या है पूरा मामला बताएंगे? मामला ये है कि मैं सेक्टर 13 रोहिणी में सब्जी की दुकान लगाता हूँ और वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा एक एनजीओ भी, मैं आरटीआई हूँ सर। आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनको एमसीडी तंग करती थी, पुलिस तंग करती थी। इसके बाद हमने जब इसकी संज्ञान लिया तो आरटीआई से खुलासा हुआ है कि हाँ लीगल बाजार की, हमें एक इलीगल बाजार लगता है। इस लीगल बाजार की तय सीमा भारत डिपार्टमेंट से लेकर के प्रिंट डिपार्टमेंट के किनारे तक है, जिसके बोर्ड दर्शाए गए हैं। इन बोर्डों के बावजूद यहाँ पर 400 अवैध तरीके से रेहड़ियाँ लगती हैं। एमसीडी को शिकायत देने के बाद में सन 2016 में इसका पक्का ऑर्डर कर दिया है, पुलिस और कमिश्नर को भेज दिया गया है। इसके बाद में सन 2016 से लेके अब तक 4 ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन ऑर्डर होने के बाद में थाने को कॉपी दे दी जाती है एसएचओ महोदय को। इसके बावजूद उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। हम एसीपी, डीसीपी और एसएचओ कई बार मिले हैं, परंतु शिकायतें भी दी हैं रिटर्न में लिख करके, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इस बाजार से सर ये जो भगवती हॉस्पिटल है वहाँ से कोई बीमार आदमी एम्बुलेंस निकलता है तो ट्रैफिक जाम होता है, पहुँच जाएगा। एक बार सर सन 2014 में और 15 के बीच में इसका है जो एम्बुलेंस में एक व्यक्ति ट्रैफिक जाम में फंस गया और वो उसने केनरा अपार्टमेंट का उसने यही दम तोड़ दिया है। इसके सर जी 4 ऑर्डर हैं, इसके सर ये 4 ऑर्डर हो चुके हैं। और ये किस तरह के ऑर्डर है उसके बारे में एमसीडी के शिकायत दी गई। कई शिकायतें देने के बाद एमसीडी ने इस बाजार का संज्ञान लेते हुए पुलिस की सहायता से इस अवैध बाजार को हटाते हुए पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। हैंडओवर होने के बाद में पुलिस द्वारा इस ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए महोदय मीडिया को अवगत कराया गया है कि पुलिस इस ऑर्डर का जो एमसीडी ने जारी किए हैं मीडिया के माध्यम से पुलिस को इस ऑर्डर का पालन कराया जाए। हमारी यही प्रार्थना है। ये सन 2016 का लाइसेंस विभाग ने ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन आज तक इस ऑर्डर पे कोई पालन नहीं किया जाता है। और जब हम एसीपी, डीसीपी और से और ऐसा जैसे मिलने जाते हैं तो हमें है जो वहाँ से बेवकूफ़ बना के और झूठा संज्ञान दे करके, आश्वासन दे करके और हमें वहाँ से रफा कर दिया जाता है। सबको होता है मेरा नाम महेश कश्यप है। मैं कई सालों से यहाँ पे बाजार लगाता हूँ। यहाँ पे हमारे इलीगल तरीके से बाजार लगता है वहाँ पे, और ये इलीगल से तरीके से ये मार्केट ये 50-50 रुपये पुलिस वाले लेके उगराई करवाते हैं। और इसके बंदे 8-9-10 बजे करीब 8-9 बजे करीब आते हैं, 9 बजे करीब, 8-9 बजे करीब आते हैं और 50 रुपये पर दुकानदार से लेते हैं। कब से मार्केट लग रही है ये मार्केट? अभी ये 15 से
16 में हटाने का ऑर्डर है। वहाँ पे तो मार्केट लेवल लग रही है 1980 से लग रही है मार्केट, और ये मार्केट अभी ये थोड़े दिनों में चालू हुई है, ये 1.5 साल से हो गए इसको लगते हुए। मार्केट लगने से कितनी समस्या होती है? मार्केट लगने से एक तो बहुत समस्या, एक तो वहाँ के दुकानदारों को समझते हैं, यहाँ की पब्लिक वहाँ नहीं पहुँच पाती और यहीं के दुकान यहीं से पब्लिक खरीदारी करके चली जाती है, और दूसरी यहाँ पे ट्रैफिक वहाँ पे बहुत जाम होता है, यहाँ पे रेडी है अभी ये इस पर खड़े हुए जो रेडी लेके घूमते हो मार्केट के अंदर घुस जाते हैं अंदर मार्केट में, अंदर ट्रैफिक जाम करते हैं। आपको भी मिलेगा, आप देखोगे चल के तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा अभी आपको थोड़ी देर में। इस मामले में लोग यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए मार्केट, मार्केट ऑथराइज जो लगी है वहाँ पे परमानेंट लगी हुई है, ऐसे तो कोई भी कहीं भी खड़े हो जाए किसी को इलीगल यहाँ तो ट्रैफिक की परेशानी होगी। पीछे की जो हमने मार्केट देखी है उसके पुलिस वालों का हाथ हो सकता है कि आप सिटी का पुलिस वालों का, यहाँ को कोई प्रधान है नहीं, यहाँ का कोई प्रधान नहीं है, उनमें से एक से नहीं दो आदमी बंदे चुन रखे हैं जो 50-50 में बंदे अपने जाते हैं दिखाते हैं चलते हैं। लोग मेरा तो यही कहना है कि सब लोगों को अगर कोई भी गलत चीज़ हो रही है आपके आसपास जिम्मेदार बनिए, जागरूक बनिए, कुछ भी गलत है उसका मतलब जो है ना उसको शिकायत की जा सकती है और उसको ठीक ढंग से करवाने के लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन जो है उसी आदमी को इतना डराता है, धमकाता है, झूठे मुकदमे दर्ज कर देता है और तरह तरह से मतलब जो है ना उसको परेशान किया जाता है। ये यहाँ पे एक है एक बच्चे को, ये मेरी जानकारी में है और मैं भी थाने गया था, उस बच्चे को इतना डराया कि वो बच्चा आज भी पुलिस को देखते ही डरता है, कांपता है। वो बच्चा खगेंद्र, हाँ खगेंद्र नाम है उस बच्चे का, खगेश कुमार। ठीक रोल, क्या नाम है? विजय। विजय क्या हुआ है? सर जी मैं दुकान बढ़ा रहा था, मैंने कपड़े भी लेकर रखे थे दुकान बढ़ाने के लिए, इन्होंने आके मेरे थप्पड़ मारा था और कांटा उठा लिया मेरा। किसने थप्पड़ मारा? अभी बता दूंगा मैं आपको, आपके आमने सामने करा दूंगा। अरे SHO साहब बोलना, SHO साहब ने। अच्छा किस लिए, कुछ कहे थे आपको? दुकान बढ़ा, कुछ नहीं बोला था, दुकान बढ़ाने के लिए बोला था, मैंने कपड़े भी लेकर रखे थे, मेरा कांटा उठा के लेकर मेरे थप्पड़ भी मारा था, लाइट भी हमने बढ़ा रखी थी दुकान की। दुकान खुलने के कितने बजे की अनुमति है? 10 बजे, टेबल तो 10 बजे का है, इतने 8 बजा नहीं अभी बंद करा रहे हैं, क्या वजह है? क्या वजह है? हमने पूछा नहीं कि वो दुकान बंद करा रहे हैं, पूछने का मौका ही नहीं दे रहे हैं वो। इतनी देर में हमने बोला कि दुकान बढ़ाने, इतनी देर में हमने थप्पड़ फेल दिया, मेरे कांटा उठा के ले गए थे मेरी दुकान का। अब आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप? अगर मेरे थप्पड़ मारा इसका जवाब कुछ नहीं होगा ना, क्यों मारा, किस वजह से मारा, उसका जवाब आपके हिसाब से कौन देगा, दिल्ली पुलिस देगी या? देखो हमारे साथ वाले पूछेंगे किस चीज के लिए जवाब देंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।